गाइस, वेलकम टू ए टू जेड गवर्नमेंट जॉब। और आज हम लोग पार्ट 8 डिस्कस करेंगे एलसीएम का। कुछ अलग क्वेश्चंस हैं आज, सो दोनों अप्रोच रहेंगी हमारी। और जो लोग नए हैं वो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और पुराने जितने पार्ट्स हैं उनको एक बार जाके देख लें, क्योंकि उसमें कई सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। और अगर आप वो नहीं देखोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपसे मेरी गुजारिश है, आप जाके एक बार प्लीज देखिए और हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 13 लीव्स 3 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स 2 एज अ रिमाइंडर। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 13 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, लेकिन 5 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में आप देख रहे हो, क्या कर सकता हूँ मैं? पहले ऑप्शन से चेक कर लेता हूँ। पहला ऑप्शन मेरे सामने 42 है, तो क्या कर सकता हूँ 42 में? देखो, 13 से डिवाइड करने पर 3 बच रहा है, 13 से डिवाइड करने पर 3 बच रहा है। तो 13 से 42 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 39 आएगा कि नहीं आएगा? तो 39 आएगा, और रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं 3। इसका मतलब ये एक ऑप्शन हो सकता है। 81 ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, जाता है 3 बन जाए। 39 ये नहीं हो सकता क्योंकि अपना 3 रिमाइंडर, एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, 3 रिमाइंडर जो बच रहा है उसको अगर आप चाहो तो इसमें माइनस कर दो तो ये 39 बनता है। तो अब तो पूरा डिवाइड होता है, इधर भी 3 माइनस कर दोगे तो 78 बचता है, ये तो पूरा डिवाइड हो रहा है। इधर माइनस करोगे तो 36 होता है जो कि डिवाइड नहीं होता है। 62 देखोगे तो 59 होता है जो कि नहीं होता है। तो अपने पास दो ऑप्शन बचे हैं, ये वाला 42 और 81। तो अगर अपने पास अगर दो ऑप्शन बचे हैं 42 और 81, तो इस केस में क्या होगा? अब हम 5 का देखेंगे भाई। तो 5 का मेरे को फिर से 2 माइनस करना पड़ेगा, तो ये 40 बच रहा है, और 40 5 से जाता है, एक ऑप्शन है। पर 81 में अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो ये 79 होता है जो कि 5 से नहीं जाता है। तो अपना आंसर क्या है? ये वाला आंसर। ये तो हो गई हमारी शॉर्ट अप्रोच। अब थोड़ा लॉन्ग अप्रोच को देख लेते हैं। देखो, ये बहुत आनी जरूरी है लॉन्ग अप्रोच, क्योंकि कई सारे, मैं हमेशा कहता हूँ, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो जिनके ऑप्शन हमेशा नहीं हो के एक ही ऑप्शन हो सकता है 2 या 3 ऑप्शन दो ऑप्शन बच जाए, दोनों में आपने सब चेक कर लिया, फिर क्या करो? फिर तो आपको मेथड से करना पड़ेगा, या फिर किसी और नए तरह का क्वेश्चन बना दे ओके एग्जामिनर, तो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। चलो देखते हैं इसको लॉन्ग वे में कैसे कर सकते हैं, या जो अपना कन्वेंशनल वे है या ट्रेडिशनल वे, उससे कैसे कर सकते हैं। तो 13 है, आपने सुना होगा कि नंबर का फॉर्मूला क्या है, नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर इज इक्वल टू होता है डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है कि नहीं बात? मेरे कहने का मतलब यह है, अगर एक नंबर है 40, 43 ले लो, इसको 5 डिवाइड कर रहा है, तो कितनी बार करेगा भाई? 5 बट जा कितना होता है? 40 होता है, और 3 रिमाइंडर शेष है। तो ये जो 5 है ना, ये डिवीजर है। ये जो 43 नंबर हो गया आपका n, 8 क्या है आपका? 8 जो है वो आपका कोशेंट है, और ये आपका रिमाइंडर है। हिंदी में अगर हम कहें तो 5 भाजक है, 8 भागफल है, 3 शेषफल। क्लियर है? तो आपको ये आना चाहिए। और हिंदी में बोलें तो यहाँ क्या होगा? भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, वो नंबर का फॉर्मूला होता है। तो देखो, अगर मुझे 13, अगर कोई नंबर 13 से डिवाइड होता है, तो यानी 13 डिवाइड कर रहा है सॉरी, तो हमारा नंबर क्या बनेगा? 13 ले लेता हूँ, और अपने पास व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच वन डिवाइडेड बाय, अपने को ये नहीं पता है कि उसका क्वोशेंट कितना है। तो क्वोशेंट को अगर मैं एक्स मान लूँ तो नंबर मेरा क्या बनेगा? 13x+3 बनेगा कि नहीं बनेगा? मेरा नंबर बनेगा एक। क्लियर है? अच्छा, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, यही नंबर को अगर 5 डिवाइड करें तो 2 बचता है, तो क्यों ना मैं इसमें से 2 हटा दूं, और अगर अब 5 से डिवाइड करवाऊं इस पूरे को तो ये डिवाइड हो जाएगा। आपको कंडीशन समझ में आई? ये इसका फॉर्मेट है। तो इस कंडीशन में आपका कितना बचता है? ये 3 में से 2 चले जाएंगे, तो ये बन रहा है आपका 13x+1 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है? अब हमें x की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। तो क्यों ना मैं देखो 1 ट्राई करूंगा तो 13+1 14 बनता है, 14 तो 5 से जाता नहीं है। 2 ट्राई करूंगा तो 26+1 27 भी 5 से नहीं जाता। अच्छा, 3 ट्राई कर सकता हूँ तो 39+1 40 जाता है। तो मेरी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? मेरी x की वैल्यू 3 आ गई। तो यही जो वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही है ना, यही वैल्यू हम लोग किसमें डालेंगे? शुरू वाले नंबर में। शुरू में हमने नंबर को क्या माना था? शुरू में हमने नंबर को माना है 13x+3। इसमें हम लोग क्या डालेंगे? x इज इक्वल टू 3।
तो देखो 13 अगर मैं यहाँ 3 डाल दूंगा तो 39 + 3 कितना होगा, 42। क्लियर है, 42 होगा कि नहीं होगा? और जब ये 42 होगा तो यही मेरा आंसर होगा। तो 13x + 3, जब मैंने x की वैल्यू 3 डाली तो मेरा फाइनल आंसर क्या बन गया, मेरा फाइनल आंसर बन गया 42, और 42 ऑप्शन में गिवन है तो 42 ही मेरा आंसर है। ठीक है, क्लियर है, आई थिंक इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। हमने पहले इसको शॉर्ट अप्रोच से किया तो भी 42 आंसर आया, और लॉन्ग अप्रोच से मैंने आपको बता दिया इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है 42। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर है, व्हेन डिवाइडेड बाय 13 लीव्स 3 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस, बस व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स 2 एज रिमाइंडर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ फोर डिजिट। चार अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, जैसे 13 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, लेकिन 5 से भाग देने पर 2 शेष बचता है ना, और ये सारे ऑप्शन हैं। तो पहले ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ एक जो डिवाइड करने वाला है, एक वो है वो 13 है, और जो दूसरा है वो कौन है, 5 है। तो 13 और 5 दो हैं, तो पहले हम लोग 5 से एक बार देख ले। अगर जब 5 से अगर हम लोग चेक करेंगे तो हमको पहले उसमें 2 घटाना पड़ेगा। तो आप यहाँ गौर कर रहे हो क्या, 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 5 की डिविजिबिलिटी वो होती है कि संख्या के अंत में या फिर तो 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 2 घटाते हैं तो देखो यहाँ 5 आ जाएगा, है ना, इस वाले ऑप्शन। लेकिन अगर मैं यहाँ 2 घटाता हूँ तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन अपना नहीं होगा। फिर मैं अगर यहाँ 2 घटाता हूँ तो यहाँ 5 आ जाएगा, ये एक ऑप्शन हो सकता है, एक ये हमने कर लिया। लेकिन यहाँ फिर से करूंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब अपने पास एक ये ऑप्शन और एक ये ऑप्शन है। अब इन दोनों को हम लोग ना 13 से चेक कर लेते हैं। तो अगर हम 13 से अगर चेक करें तो पहला ऑप्शन क्या है, 9, 9, 8, 7 है। 9, 9, 8, 7 अगर है, 13 से चेक कर रहा हूँ तो आपको पता है देखो, 13 से अगर ये डिवाइड होता है तो 3 रिमाइंडर बचेगा। तो पहले तो 3 आप इसमें से हटा दो, तो ये चीज बन जाएगी, असलियत में बन जाएगी 9, 9, 8, 4। अब 13 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि आप 7 की जो डिविजिबिलिटी का रूल है वही रूल है कि आप 984 में से 9 घटा दो। तो 984 में से अगर आप 9 घटा दोगे तो करीब करीब आपका आ जाएगा 975 आ जाएगा। और अब 13 से डिवाइड करो, 13 से आप डिवाइड करोगे तो 90 बन जाता है और 65, यानी ये जाता है। फर्स्ट ऑप्शन 13 से डिवाइड है, हम लोग उसको रख सकते हैं। फिर कौन सा, ये वाला ऑप्शन देख लो। तो सबसे पहले तो यहाँ 3 हटाओगे तो यहाँ कितना बचेगा, 9, 8, 6 और 4 बचेगा। ठीक है, अब 864 में से आपको क्या करना है, इस 9 को घटा देना है। अगर आप 864 में से 9 को घटाओगे तो कितना बचेगा, करीब करीब 855। अब आप चेक कर लो, 13 से 78 जाता है, 78 के बाद 78 के बाद कौन सा जाता है, 78, 78 और फिर आपका 75, 75 तो नहीं जाता, 65 जाता है। ओके, तो ये ऑप्शन नहीं, आपका एक ही ऑप्शन बस है, 9, 9, 8, 7, यही आपका आंसर है। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट अप्रोच से बता दिया, अब हम लॉन्ग अप्रोच से देखेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो आपको मैंने बताया है थोड़ी देर पहले पिछले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या है किसी भी नंबर का। भाई नंबर का फॉर्मूला होता है, नंबर इज इक्वल टू डिवीजर, डिवीजर इंटू, आप ये लिख लेना, ये काम आने वाला है, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। मैं हिंदी में भी बता देता हूँ ये क्या चीज है। देखो हिंदी में ये बन रहा है कि जो नंबर होता है वो भाजक और भागफल का गुणा करके अगर उसमें शेषफल जोड़ दिया जाए तो नंबर बन जाता है। तो अगर मैं इस चीज को यहाँ अप्लाई करूँ तो देखो, 13 जो अपना डिवाइड करने वाला भाजक या डिवीजर था उसको 13, और हम क्वेश्चन को एक्स मानेंगे, प्लस कितना रिमाइंडर छूट रहा है, 3 छूट रहा है, तो ये अपना नंबर है कि नहीं। अच्छा ये नंबर, अब इस नंबर में अगर मैं 2 घटा दूं तो इसी नंबर को 5 डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा पूरा तरह से। तो ये एक्चुअल में कितना बनेगा, 13x + 1 डिवाइडेड बाय 5। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम हमेशा ना एक्स की वैल्यू चेक करते हैं कि एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखो अगर एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे 13 + 14 आ रहा है, 14 तो अपने किसी काम का नहीं है। 2 डालेंगे 26 आएगा, 26 = 27। 3 डालेंगे 13 + 3 सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन भी मैंने करवाया है ये। तो ये एक्चुअल में 3 डालने पर हमारी वैल्यू सेटिस्फाई होती है। तो हमारा नंबर एक्चुअल में, नंबर शुरू में हमने क्या लिया था, हमारा शुरू में नंबर था 13x + 3, या 3 डालेंगे 39 + 3 = 42। तो जो ये 42 आया है ना, आपको इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये 42। वो मिनिमम नंबर है, क्या है, मिनिमम, सबसे कम। लेकिन ये 4 अंकों का नहीं है, ये मिनिमम नंबर है जिसको अगर 13 से भाग दें
डिवाइड करें तो 3 बचता है, और अगर 5 से करें तो 2 बचता है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है 4 अंकों का ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। अब आप देखो, अगर आपको वो निकालना है तो आपको याद रखना है कि हमें जो लो डिवीजन है इसका और किसका 5 का, इन दोनों के एलसीएम निकालने पड़ेंगे, किसके 13 के और 5 के। अब 13 और 5 का एलसीएम मैं बता चुका हूँ, दोनों के हैं प्राइम को प्राइम है, तो 13 5 कितना होता है 65, आपका क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है। अभी जो 65 एलसीएम आ रहा है इसका कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, प्लस उसमें हम वो मिनिमम संख्या जोड़ देंगे, ये वो नंबर होगा जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हो, हम लोग चेक करेंगे इस चीज़ को, इस कंडीशन को चेक करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 65 जो है ना वो किसको डिवाइड करेगा, वो करेगा 9 9 9 9। चेक कर लें एक बार, तो 65 अगर एक वन टाइम कितना करेगा 65, तो आपका बचेगा यहाँ 4 और यहाँ बचेगा 34, एक 9 ले लो। फिर हम लोग करेंगे 3 से चेक कर लूँ 65 को, देखो 65 को अगर मैं 5 से चेक करता हूँ 25 5 से 30 33 25, 325 जा रहा है, तो 325 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 325 कितना बच रहा है, बच रहा है 4, एक 4 में से 2 गए 2 और फिर 249। अब 65 को अगर हम 4 से करेंगे तो देखो 260 होता है, वो तो नहीं होगा, 3 बार जाएगा 65, 3 बार जाएगा तो कितना हुआ, 3 5 15, 1 3 6 18, 195 जा रहा है, तो यहाँ 195 मैंने ले लिया 3 बार, कितना बच रहा है 4, और 14 में से 9 गए बच रहा है 54 बच रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपने देख रहा है कितना बच रहा है 54 बच रहा है। ओके, 54 अगर ये बच रहा है तो अब हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ये 99 में से 54 घटा देते हैं। आपको पता होगा पिछले क्वेश्चन में भी हमने इस तरह का किया है, तो मैं 9 9 जो 4 अंकों की संख्या है इसमें से ये रिमाइंडर हमेशा घटाता हूँ, तो अगर मैंने घटाया तो कितना हो रहा है, 9 में से 4 गए बचे 5, 9 में से बचे 45 और ये 2 9 9 9 9 45। तो दोस्तों मेरा मिला, पर मुझे इसमें 65 का मैंने बताया ना मल्टीपल, ये नियरेस्ट मल्टीपल आया है, कितना आया है नियरेस्ट मल्टीपल, और कितनी बार क्या था करीब 153 टाइम्स क्या था, 65 को अगर 153 टाइम्स किया जाए तो 9945 मिलता है, क्लोजेस्ट मल्टीपल आया, और 42 इसमें जोड़ने पड़ेंगे आपको। आप जब इसमें 42 जोड़ोगे तो आपका बनेगा 5 और 2 7 4 और 4 8 और 9 9, तो करीब करीब आपको 9987 आया जो कि आपका फाइनल आंसर है। तो 9987 आप इसमें, मैंने इसको डिटेल में बता दिया। ठीक है, मैंने शॉर्ट अप्रोच भी बताई, लॉन्ग अप्रोच भी बताई, थोड़े अनयूजुअल क्वेश्चन हैं ये वाले, तो आप ध्यान रखना अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेकंड लीस्ट नंबर बिटवीन 11 एंड 1111 व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स 6 एज रिमाइंडर इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 21 लीव्स 12 एज अ रिमाइंडर। दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है 11 और 1111 के बीच में, जिसे 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचता है, लेकिन 21 से भाग देने पर 12 शेष बचता है। तो अब आप देख रहे हो, पहले तो ऑप्शन हम लोग चेक कर लें, ऑप्शन से अगर हम चेक करेंगे तो हमारी अप्रोच क्या होगी ऑप्शन से चेक करने पे। ऑप्शन पे आप ये देखो, एक तो 11 और ये सारे नंबर हैं आसपास ही हैं, तो ज़्यादा परेशानी आनी नहीं चाहिए, 9 से डिवाइड करने पे 6 बचता है, तो ऐसा नंबर तो 6 पहले आप घटा दो सब में। अगर मैं 6 से यहाँ घटाता हूँ फर्स्ट वाले में, देखो यहाँ तो 90 बचेगा, 90 9 से जाता है, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। 91 में 6 घटाऊंगा तो देखो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। 83 में 6 घटाऊंगा तो कितना बनेगा, 77 नहीं जाता है, और 76 में 6 घटाऊंगा 70 बनेगा, ये ऑप्शन है, बस एक ही ऑप्शन बनता है, तो यही अपना आंसर भी है। ठीक है, लेकिन अगर कभी मान लो एक और ऑप्शन सिमिलर आ गया और हमने 9 और 21 दोनों से चेक कर लिया, दो घटा के और 6 घटा के, तो भी नहीं मिला, तो हमको लॉन्ग मेथड तो आना चाहिए। लॉन्ग मेथड क्या कहता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि भाई अपने को नंबर बनाना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे 9x+6। ठीक है, अब ये नंबर मैंने इसको बना दिया 9x+6, एक नंबर आया, इसमें से मैं कितना घटा दूं, मैं 12 घटा दूं। अगर मैं 12 घटा दूं तो 12 घटाने के बाद क्या होगा, 12 घटाने के बाद ये होगा कि 21 जो है ना वो उसको पूरा अच्छे से डिवाइड करेगा, तो ये चीज़ कितनी बन रही है, ये बन रही है 9x-6/21 हो रहा है, डिवाइडेड बाय 21 हो रहा है। तो अब आप देख लो, इसमें सबसे पहले 3 घटा दो सारा, तो ये फाइनल चीज बन जाएगी 3x-2/7।
अब आपको x की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, 1 रखूंगा तो 3 माइनस 2, 2 रखूंगा 6 माइनस 2, 3 रखूंगा 9 माइनस 2, यस x की वैल्यू 3 आ रही है। x इज इक्वल टू अगर आप यहाँ 3 रखोगे ना तो 3 से 9 माइनस 2 7 बाय 7 1 डिवाइड होता है। तो यही x की वैल्यू हम लोग उस नंबर में यूज करते हैं जो हमने शुरू में बनाया। नंबर शुरू में क्या बनाया था, 9x प्लस 6 बनाया था मैंने नंबर, उसमें x इज इक्वल टू वैल्यू में कितना रख रहा हूँ, x की जो वैल्यू रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ करीब 3 रख रहा हूँ, तो 27 प्लस 6 33 बन रहा है। तो आप लोग एक बात समझे क्या, 33 तो वो न्यूनतम नंबर है जिसको अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो 6 बचेगा, चेक कर लो 27 जाता है, और 21 से डिवाइड करने पर 12 बच रहा है। लेकिन अब हमको ये चेक करना है कि बड़ा सा बड़ा सेकंड लिस्ट कौन सा होगा, इसके बाद वाला कौन सा होगा, 33 के बाद कौन सा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने बता रखा है कि आपको किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, 9 का और 21 का। 9 का एलसीएम, 9 का और अगर आप 21 का एलसीएम निकालोगे, देखो यहाँ तो 3 तो वैसे ही कॉमन आता है, तो यहाँ 3 बच रहा है 7 बच रहा है, तो 3 7 से 21, 21 3 से 63, 63 आपका एलसीएम आएगा, कितना आएगा 63। अभी मैं इस मेथड से एलसीएम बताना मैंने आपको बंद कर दिया क्योंकि मैं कई सारे क्वेश्चन इसके करवा चुका हूँ। तो 63 आपका एलसीएम आया, अब हम 63 करेंगे। तो मैंने कह चुका हूँ उसके 63 का मल्टीपल होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं, एन रखेंगे प्लस कितना रखेंगे 33। अब क्योंकि हम अगला ही 33 का चेक कर रहे हैं नेक्स्ट, तो एन की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 1 रखेंगे, तो एन की वैल्यू 1 रखने के बाद ये चीज 63 हो जाएगी, 63 प्लस 33 96, ये आपका आंसर है। अगर आपसे पूछा गया होता ना कि 96 के बाद कौन सी है, तो आपको एन की वैल्यू कितनी रखनी पड़ती, 2 रखनी पड़ती, तो फिर आपका जो भी सॉल्व होकर आता वो आता। पूछने को ये भी पूछ सकते हैं कि भाई कितनी टोटल वैल्यू बनेंगी, तो आपको ये भी चेक करना है, फिर एन की वैल्यू 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के, 5 रख के, ऐसे भी बताना पड़ेगा, ये भी इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 लीव्स 5 एज अ रिमाइंडर, 5 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स 1 एज अ रिमाइंडर। वह 3 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है जिसे 8 से भाग देने पर प्रत्येक चीज में 5 शेष बचता है, लेकिन 5 से भाग देने पर 1 शेष बचता है। ऑप्शन से पहले चेक कर लेते हैं, 5 से भाग देने पर 1 बच रहा है ना, इसमें 1 घटाऊंगा तो 5 की डिविजिबिलिटी बता चुका हूँ कि आखिरी जो डिजिट है उधर 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर हम यहाँ 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यानी ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ घटाऊंगा ये ऑप्शन पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 आ रहा है। यहाँ घटाऊंगा 8 आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ घटाऊंगा, ये पॉसिबल है। 981 आपका आंसर है, मैं यही बता दे रहा हूँ आपको। अब आपको अगर मैं लॉन्ग ऑप्टर्स से बताऊँ, आप अगर आपको थोड़ा डाउट हो ना तो आप 8 से भी चेक कर लो कि ये है कि नहीं। अगर तो 5 घटाने का है ना अपने को इधर, तो 81 में आप, मैं 5 घटा दो तो कितना बनेगा, 976 बनेगा, 976 बनेगा कि नहीं। और मैंने आपको कई बार बताया है कि बुक्स में तो क्या लिखा हुआ है कि अगर आप 8 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे कि भाई 976 जाता है कि नहीं जाता है, तो ये सारा चेक करना पड़ता है। मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि जो 9 है ना, ये आपका ऑड है, क्या है, ऑड है। अगर 9 ऑड है तो आप इसमें 76 में 4 जोड़ दो तो 80 बन जाएगा, 80 तो जाता है, तो ये डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका होता है, यानी ये नंबर जा रहा है। अच्छा, अगर ये इवन होता तो हम यहाँ 4 नहीं जोड़ते, तो फिर हम आखिरी के 2 डिजिट से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते थे, जैसे कि 4 के केस में हम लोग हमेशा चेक करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ 981 आंसर बता दिया। अब थोड़ा लॉन्ग अप्रोच से देख लो, अब थोड़ा जल्दी कराता हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ। तो हम लोग नंबर क्या मानेंगे, हम लोग मानेंगे नंबर 8x प्लस 5, ये मैंने माना नंबर। अब 5 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर, तो एक रिमाइंडर कम कर दूँ, माइनस 1 कर दूँ। अब ये माइनस 1 मैंने कर दिया 1, अब ये जो संख्या है ना ये किससे डिवाइड होती है, ये 5 से डिवाइड होती है, तो ये कितना बचा, ये बचा 8x प्लस 4। अब क्या करेंगे भाई, क्या काम है अपना, अब x की वैल्यू चेक कर लो, 1 डालूंगा तो 8 और 4 12 था, 2 डालूंगा तो 16 4, ये 2 की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। तो x की वैल्यू हम लोग कितनी लेंगे, x इज इक्वल टू हम लोग लेंगे 2 ले लेंगे। तो 2 मेन नंबर जो हमने माना है, मेन नंबर अपना क्या माना है, नंबर हमने माना यहाँ पर, हमने नंबर जो माना था वो था 8x प्लस 5, इसमें मैं 2 डालूंगा तो 16 प्लस 5 21 बन रहा है अपना, कम से कम नंबर कितना बन रहा है, 21 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 21। अब ईच व्हेन डिवाइडेड बाय, तो 21 तो हमसे पूछा गया है 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, तो 21 तो सबसे छोटा हो गया, और सबसे बड़ा निकालना है तो आपको 8 का, और अपना फॉर्मेट क्या है इस नंबर का, इसका फॉर्मेट ये है कि एलसीएम निकालो आप किसका, 8 का निकालो, और एलसीएम निकालो आप 5 का, 8 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 40।
40 आने के बाद आपको उसका मल्टीपल फाइंड करना पड़ेगा, प्लस उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 21। अच्छा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ तीन डिजिट है ना, 9, 9, 9 है, तो हमें 40 के ना आसपास देखना पड़ेगा कि 999 से जस्ट कम कौन सा है। तो ये इसका तरीका क्या होता है, आप 999 को डिवाइड करके देख लो, डिवाइड कर लो, नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हो कौन सा नियर बाय जा रहा है। ठीक है, मैं अगर 40 से डिवाइड करता हूँ तो दो बार कितना जाता है, 80 जाता है, 80 जाता है तो मैं कितना रखूँगा, 9, 199 रखूँगा। फिर मैं 40 इंटू 4 करूँगा तो 160 जाता है, तो कितना बच रहा है, 9, 39 बच रहा है। मैं 39 का क्या करूँगा भाई, इसमें से माइनस कर दूंगा, किसमें से, 999 में से 39 मैंने माइनस कर दिया, तो कितना बचा, 0, 960 बच रहा है। 960 तो हो गया, पर हमको इसमें 21 जोड़ना पड़ेगा, तो 960 में जब आप 21 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 960 में 21 जोड़ने के बाद ये आपका बनेगा 981, ये आपका आंसर। ठीक है, 21 फर्क समझना, 21 वो न्यूनतम संख्या थी, पर 21 के बाद कोई और नंबर आएगा, फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, तो तीन अंकों की जो अधिकतम संख्या बताई है वो कौन सी है, 981 है, जो इस केस को फुलफिल करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 लीव्स 4 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स 3 एज अ रिमाइंडर एंड इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। अब ये केस थोड़ा अलग, 13 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आप एक चेक कर सकते हो कि आप ये देख लो 13 से कौन सा नंबर जा रहा है। ठीक है, 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। 13 का डिविजिबिलिटी रूल तो यहाँ तो वैसे तो अगर चार संख्या होती तो मैं लगाता, तो यहाँ अगर मैं चेक करूँ तो देखो 39 जाता है, 39 और 39 जाता है और फिर 78 भी जाता है, यानी ये नंबर पॉसिबल है। ठीक है, 981 का देखो 91, 71 ये नंबर नहीं पॉसिबल, 139 का देखूँ तो 13, 130 ये भी नहीं जाता है, और 622 का देखूँ तो 622 का करके देख लो आप, 52 जाता है, फिर 102 जाता है, 91 13 ये भी नंबर नहीं जाता। तो अपने पास एक ही नंबर जाता है, वो कौन सा, 468 है जो डिवाइड होता है। मान लो अगर एक ऑप्शन और ऐसा आता जिसमें दूसरा नंबर भी डिवाइड हो रहा है, यानी कोई ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है, उस केस में हम लोग क्या करते, फिर 5 से एक बार चेक करते, 5 से चेक करते तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, तीन तीन घटाना पड़ता है, इसमें से तीन और इसमें से तीन। और 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अगर 5 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर किसी नंबर के आखिरी में 0 या 5 है तो ही वो डिवाइड होता है, तो अगर मैं इसमें से 3 घटाऊंगा तो 5 आएगा आखिरी में, तो ये पॉसिबल है, पर इसमें से अगर 3 घटाऊंगा तो पॉसिबल नहीं होगा, तो यानी यही अपना आंसर है, 468। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट अप्रोच से बता दिया, आप लॉन्ग अप्रोच से देख लो। तो देखो लॉन्ग अप्रोच तो करना है, तो मैंने आपको बताया नंबर बनाना पड़ेगा, नंबर क्या है, 8x प्लस 4। अब इसमें से 5 से डिवाइड करने में 3 रिमाइंडर छूट रहा है, तो माइनस 3 करूंगा और डिवाइडेड बाय 5 करूंगा, तो ये चीज कितनी बनेगी, ये चीज बनेगी 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 होगा। तो इसमें वैल्यू रख के देख लो कितना बनेगा, देखो 8 बन जाए 8 प्लस 1, नहीं 1 तो नहीं आ रहा है, 2 भी नहीं आ रहा है, 8 जीरो 24 प्लस 1 20, 3 की वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू 3 जो है ना वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग मेन नंबर हमने क्या माना था, मेन हमने जो नंबर माना था अपना वो था शुरू में 8x प्लस 4, क्लियर है, तो कितना हो गया ये, 3 रखूंगा, 3 8 24, 28 वो मिनिमम नंबर है, 28 वो मिनिमम नंबर है। ठीक है, जो कि इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, किसको, यहाँ पर इन दोनों कंडीशन पर। 13 का करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुराना मेथड, हमें 8 और 5 का एलसीएम निकालना पड़ेगा और उसका मल्टीपल चेक करना पड़ेगा, वो कितना बनेगा भाई, 40n, यही फॉर्मेट है कि नहीं, प्लस 28 डिवाइडेड बाय 13, ये है। अब आप ये देख लो, मैंने तरीका बता चुका हूँ, देखो 40n हमें n की वैल्यू चेक करनी है, तो क्या होगा भाई, n की वैल्यू अगर आपको चेक करनी है तो ये 39n जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इस 40n को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, मैं लिख सकता था 39n प्लस n प्लस 28 को भी आप ब्रेक कर दो, 26 प्लस 2 कर दो, सही है, डिवाइडेड बाय 13। अब अपने वो कोई काम के नहीं है जो 13 से डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहा है ना इसको हटाओ, 26 डिवाइड हो रहा है ना इसको भी हटाओ, बच क्या रहा है, फाइनली बच रहा है n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 13,
अब एन की कितनी वैल्यू रखी जाए कि 13 से डिवाइड हो जाए, तो एन की वैल्यू 11 रखेंगे कि नहीं, एन की वैल्यू 11 रख दो, अब 11 प्लस 2 13, 13 डिवाइड बाय 13, तो यानी एन की वैल्यू 11 रखेंगे, तो यहाँ वो एन की वैल्यू 11 रखी जाएगी। किस चीज में रखी जाएगी? वो चीज है 40, 11 से मल्टीप्लाई प्लस 28, ये कितना बना 440 प्लस 28, कितना हो रहा है ये 468, ये अपना आंसर है, 468 इज अवर आंसर। ठीक है, ये देखो मैंने जो फर्स्ट ऑप्शन कराया है। सो दोस्तों, मैंने आज आपको एक अलग टाइप के क्वेश्चंस कराए थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो, और इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, सो मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, सो प्लीज गो थ्रू ऑल द पार्ट्स जो मैंने करवा चुका हूँ, और फिर हम लोग HCF कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।